आज मैं आपके साथ दो DIY शेयर करूंगी जो हमारे किचन में डेली यूज़ में आते हैं और ये हमारे किचन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये एक मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई ग्लव्स थी, किचन ग्लव्स, जो मैं इसे रिसेंटली तक यूज़ कर रही थी, बट अब ये यूज़ करने लायक नहीं है। ये जगह जगह से देखिए इस तरीके से कॉटन हट चुका है, जिस वजह से डायरेक्ट हीट हाथ पर लगती है। तो आज मैं इसी का नाप लेकर के बनाऊंगी हैंड ग्लव्स। ये फ्री साइज़ है, घर में सभी को आ जाता है, तो इसीलिए इसी का नाप लूंगी। इसके अंदर कॉटन लगी है, मैं फॉर्म शीट लगाऊंगी, थोड़ी थिक वाली फॉर्म शीट मैंने ली है, और इसका हम रख करके नाप ले लेंगे। नाप लिए हुए साइज़ को हम कट कर लेंगे फॉर्म शीट से। अगर आपके पास नाप ना हो तो आप हाथ रख करके भी, सिर्फ अंगूठा को अलग रखिएगा, बाकी उंगलियों को साथ में जॉइन करके नाप ले लेंगे। ऐसे ही मैं एक और कट कर लूँगी। तो ये दो मेरे पास आ गए, और इसी से मैं सेम कपड़े भी कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कुर्ती लिया है, इसे बनाने के लिए आपको कॉटन का ही यूज़ करना है, सिंथेटिक का यूज़ नहीं करना है। और कॉटन कपड़े पे इसे हम रख करके इसका नाप लेके दो कपड़े हम कट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए मैंने दो कपड़े इस तरीके से कट कर लिए हैं, और इन दोनों को अब हम अलग रख देंगे। सूट के साइड में जो पट्टी होती है उसे मैं थोड़ा लंबा कट कर लूँगी, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका कपड़ा रख दिया और उसके ऊपर फॉर्म शीट, और देखिए जिस तरीके से मैंने ये एक को सिलाई किया है रनिंग स्टिच के साथ, वैसे हम इस दूसरे को भी सिलाई कर लेंगे। तो उसके लिए मैं पहले इसमें पिन लगा रही हूँ, क्योंकि फॉर्म शीट बहुत ज़्यादा खिसकती है। पिन लगाने के बाद इसमें हम रनिंग स्टिच करते हुए फॉर्म और कपड़े को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये दोनों हमारा अटैच हो गया है। अब हम ऐसे भी ग्लव्स बना सकते हैं सिलाई लगा के, फिर इस पर पाइपिंग लगानी होगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं बना करके इसे मैं अंदर की तरफ रखूँगी और सिलाई लगा करके फिर मैं उसे पलटूँगी। तो इसमें हम जो स्टिच लगाएंगे वो ब्लैंकेट स्टिच मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको एक बार सुई पार करनी है और फिर धागे के अंदर से निकालना है इस तरीके से। देखिए इसे ब्लैंकेट स्टिच बोलते हैं। ऐसे ही मैं पूरे ग्लव्स को सिलाई कर लूँगी। मैं हाथों से इस ग्लव्स को बना रही हूँ, आप सेम प्रोसेस सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सिलाई हो गया है। जो हमने साइड से सूट का कपड़ा काटा था उसे अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे, ताकि हम ग्लव्स को कहीं हैंग कर सकें। सूट का जो साइड होता है वो सिलाई किया हुआ रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। डायरेक्ट कट करके मैंने ग्लव्स के साथ इसे स्टिच कर दिया अच्छे तरीके से। आपके पास ऐसा नहीं हो तो आप जो है कपड़े के टुकड़े से इसे सिलाई करके बना भी सकते हैं। तो ये लग गया है, अब हम नीचे के लिए पाइपिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। जो ग्लव्स का लूप है उसे हम ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हम इसमें पाइपिंग लगा रहे हैं, और कपड़े को इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसमें भी हमें रनिंग स्टिच ही करनी है, तो पूरे पे हम गोल घुमाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये ग्लव्स बनाने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर धागा ख़त्म हो गया, तो मैं एक नॉट लगा करके यहाँ पर वापस से धागा डाल करके वहीं से सिलाई स्टार्ट करूँगी जहाँ पर धागा ख़त्म हुआ था, और इसे पूरे को मैं सिल लूँगी, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़ा का उसे मैं कट कर लूँगी। जब ग्लव्स के राउंड में पूरे में सिलाई हो जाएगी अच्छे तरीके से, तब यहाँ पर सिर्फ हमें कपड़े को लेना है, फॉर्म को नहीं लेना है, फॉर्म को छोड़ देना है, और कपड़े को इस तरीके से पकड़ करके दोनों तरफ के, और इसमें हम स्टिच लगा लेंगे, ताकि जो कपड़ा बीच से कट किया हुआ है वो एक साथ हो जाए स्टिच हो करके, और पाइपिंग लगाने में हमें सुविधा हो। लास्ट में हम इसमें नॉट लगा देंगे और कपड़ा हमारा सिल गया है। अब हम इन सारे को पलट लेंगे, पहले कपड़ा को और देन हम ग्लव्स को पलट लेंगे, पूरा सीधा कर लेंगे इसे हम। देखिए इस तरीके से ग्लव्स के सीधे होने पर फिर हम पाइपिंग को ऊपर की तरफ करेंगे इस तरीके से, और डबल करते हुए हम इस पर रनिंग स्टिच कर लेंगे, और हमारा ग्लव्स हो जाएगा रेडी। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, और हमारे डेली यूज़ में भी ये आता है। अगर आप इसे मार्केट से लेने जाओगे तो 300 से 400 के बीच ही आती है। और आपने देखा कितना छोटा फॉर्म का टुकड़ा और छोटे से कपड़े के टुकड़े से ये घर में ही बहुत ईजिली तैयार हो जाता है।
तो ये तो सबके घर में होना ही चाहिए, तो आप भी बना लीजिएगा इसे। और ये देखिए फ्री साइज़ का है, सभी कोई घर में इसे पहन पाएंगे और जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं इसे हैंग भी कर लूँगी। अब हम दूसरा DIY बनाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने लिया यहाँ पर फॉर्म शीट और हाथों को रख करके एक हम देखिए इस तरीके का शेप ले लेंगे और इसे अब मैं कट कर लूँगी। ये भी मैं बना रही हूँ गर्म चीज़ों को उतारने के लिए, तो देखिए इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे डबल करके ऊपर का अनइवन पार्ट को हम कट करके हटा देंगे ताकि ये एक इवन लुक आए इसमें। ऐसे ही मैं एक और कट कर लूँगी सेम प्रोसेस से। ये दो कट हो गए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए 22 और 10.5 है। इसमें से कोई भी एक पीस ले लीजिए, उसको डबल कर दीजिए और इसे बीच से हम कट कर देंगे और इसे हम बड़े वाले पीस पे रख कर देख लेंगे कि ये कितना बड़ा आ रहा है। देखिए ये इसे पूरा ढक दे रहा है, तो हम इसे बीच से थोड़ा सा हाफ इंच के लगभग दोनों तरफ से कट कर लेंगे क्योंकि हमें बीच में थोड़ा गैप चाहिए। आपको इस तरीके से चेक कर लेना है जब बड़े पीस में लगाएंगे, तो देखिए इस तरीके से गैप आएगा। तो अब हम इसके लिए कपड़ा काट लेते हैं। तो सेम सूट मैंने लिया है, कॉटन का सूट है, उसी से मैं इन तीनों के लिए कपड़े को कट करूँगी इस तरीके से मार्किंग करके। मार्किंग करके कट करने से बिल्कुल परफेक्ट शेप आता है। तो देखिए मैंने कपड़े को कट कर लिया है, 3 पीस कपड़ा मैंने यहाँ पर कट किया है और फॉर्म शीट को उसके ऊपर रख करके इन तीनों पे मैं रनिंग स्टिच करके सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ से। तो देखिए सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है। अब बड़े वाले पीस को अभी रखते हैं साइड पे और दोनों छोटे पीस के नीचे में हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पिल्लो कवर है जो कि कॉटन का है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमेशा कॉटन के ही कपड़ा का यूज़ करें। ये 4 इंच चौड़ी लंबी पट्टी मैंने ले ली है, इसे कट कर लेंगे और देखिए जितना हमें लगेगा पाइपिंग में उतना कट करके हम हटा देंगे। तो ऐसे ही मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और दोनों पर हम रख देंगे इस तरीके से। दोनों पर सिलाइयाँ लगा लीजिए, सिलाइयाँ लग गई है। अब दूसरी तरफ इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लीजिए और पाइपिंग लगकर हमारी रेडी हो जाएगी। दोनों में इसी तरीके से आपको कर लेनी है और लास्ट में नॉट लगा के इसे हम फिक्स कर देंगे। और ये एक में लग गई है वैसे ही दूसरे में भी लगा लेंगे। तो दोनों लग चुकी हैं। अब बड़े वाले पीस को लेंगे, उस पर इस तरीके से हम इसे अरेंज कर देंगे। देखिए दोनों एक दूसरे का पॉजिट है और इस पर सिलाई लगा लेंगे। जो छोटा वाला पीस है बस उसी पर सिलाई लगानी है दोनों तरफ में इस तरीके से। और यहाँ पर मैं जो स्टिच का यूज़ कर रही हूँ वो ब्लैंकेट स्टिच है। तो इस तरीके से ये लग गया है और ये यूज़ देखिए इस तरीके से होता है, एक तरफ थंब जाएगा और बाकी तरफ फिंगर जाएगी और गर्म चीज़ों को आराम से हम गैस से उतार पाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए एक तरफ इंची टेप को रखिए, वहाँ मार्क कर लीजिए और दूसरी तरफ घुमाते हुए उसी पर आ जाइए तो पता चल जाएगा लंबाई। तो जितना लंबाई होगा उससे 1 इंच बढ़ा करके आप लीजिएगा। यहाँ पर मैं 24 इंच लंबी पट्टी ले रही हूँ क्योंकि 23 इंच इसकी लंबाई आई थी। यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए वरना पाइपिंग फिर नहीं लगेगी। और 2.5 इंच चौड़ी मैं यहाँ पर ले रही हूँ कपड़े की पट्टी और इसे अब हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने DIY किया था वो ले लीजिए, पट्टी को रख लीजिए, पट्टी का उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखिएगा और इसे अब हम रनिंग स्टिच की हेल्प से पूरे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने पूरे पे स्टिच कर लिया है और लास्ट में इस पर नॉट लगा के इसे हम फिक्स कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे। जो हम हैंड ग्लव्स में नीचे की तरफ पाइपिंग लगा रहे थे तो राउंड में कटिंग कपड़े को हमने किस तरीके से ज्वाइन किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करना है और कटिंग कपड़े को हम ज्वाइन कर लेंगे। इससे पाइपिंग लगाने में बहुत आसान होती है। अब कपड़े को दूसरे तरफ पलट लीजिए और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लीजिए और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा रोज़ किचन में ज़रूरत होने वाला हेल्पफुल DIY बनकर हो जाएगा रेडी। देखिए ये एकदम चिमटे का काम करता है, इस तरीके से आप कोई भी गर्म चीज़ आराम से उतार पाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।